हाँ जी, जो पिछली वीडियो आप लोगों ने देखी हुई है कि दादरी कोर्ट के अंदर आए हुए हैं और जो इन्होंने सवाल किया था एक बच्चे के प्रति और जो कोर्ट में क्या रहा क्या नहीं हुआ अभी पूछेंगे ना भाई से और आप तक समझा करेंगे। हाँ जी सर जी, जो ये आपने बताया ना कि बच्चे के प्रति अप्लीकेशन लगाई हुई है, क्या रहा उसका अभी? अभी जी पेश नहीं हुए, वो आए नहीं है ना। पेश होने के बाद फिर जज साहब क्या ऑर्डर देते हैं देखते हैं जी। हाँ, अभी ऐसा नहीं लग रहा कि जो एक लॉ के मुताबिक जो है 18 साल तक बच्चे को माँ के पास रखा जाए और जो है माँ के पास बच्चे को सेफ मानते हैं, हालांकि आपको उतना अधिकार है लेकिन बच्चा माँ के पास जो है सेफ मानते हैं पैरवी के मुताबिक, तो आप लोग उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? और देखो जी, बच्चा सेफ वहाँ होता है जहाँ बच्चे की अच्छी परवरिश हो, और जब माँ इतना बड़ा कांड कर सकती है तो बच्चे की क्या पालन पोषण करेगी। मतलब बच्चा 4 साल का होने को है, उसको वो गालियाँ सिखाती है, उसको सिखाती है कि बड़ा होकर पिस्तौल लेना, गोली मारना, ये सिखाती है, तो उसके हाथ क्या परवरिश मानते हैं बच्चे की हम? तो बच्चे की परवरिश वहाँ से ही होती है जहाँ मतलब उसको पढ़ाई लिखाई की जाए और उसी के पास बच्चा रहे तो सेफ रहता है, मेरा तो ये मानना है। क्योंकि माँ के पास बच्चा सेफ है उस चीज़ को मान रहे हैं, लेकिन आज इस मोड़ पर गाड़ी आ रही है कि सपना जो है बच्चे की माँ जेल के अंदर जा रही है, आज पुलिस रिमांड पर जा रही है, लेकिन वहाँ जो है बच्चा कोर्ट क्या, आपकी क्या अपील है, क्या करेगा क्या नहीं? क्योंकि बच्चे को जेल में भी नहीं मानते, उसको पढ़ाई लिखाई की सुविधा मिल जाएगी, तो फिर क्या कहना चाहोगे आप लोग? बच्चे को माँ के पास जेल में ठीक मानोगे या अपने पास में? अपने पास से ही मानेंगे जी। अब माँ ने आज इतना बड़ा किया है कि मेरे पर जानलेवा हमला करवा दिया, एक मतलब वो कल को मरवा भी सकती है ऐसे, तो उसको सज़ा मिलेगी तो बच्चे को क्यों मिलेगी? बच्चा तो बेकसूर है, बच्चे को तो फिर हमारे पास रहना चाहिए जी। और जो है इसमें आरोपी कितने बकाया हो रहे हैं अभी अरेस्ट होने में? अभी तो वो लेके आने के बाद ही पता चलेगा जी, क्योंकि 5 तो शाम को अरेस्ट हो लिए थे और बाकी पुलिस ने दिन में किए हैं या क्या कराया, वो तो यहाँ आने के बाद ही पता चलेगा कि कितने आरोपी बचे हैं। ये 5 का बताया प्रशासन ने जो आपको 5 अरेस्ट हो लिए? हाँ, 5 तो शाम को हो लिए जी, कन्फर्म था। तो अभी कोर्ट में आने में कितनी देरी बकाया रही है उनकी? अब क्या पता जी, देखो शायद पहुँचने वाले हैं जी। ये जो बच्चे को लेके लॉ के मुताबिक माना जाता है कि माँ के पास सेफ होता है, लेकिन आज माँ के पास तो सेफ सब मानते हैं, लेकिन ऐसा मोड है कि माँ सलाखों के पीछे जा रही है और बच्चे को वहाँ भेजना ठीक भी नहीं मानते, और एक सभ्यता के मुताबिक तो उनकी पैरवी वहाँ पॉसिबल नहीं है। तो ये मानते हुए अब कोर्ट का जो है, कोर्ट में मौजूदगी है सबकी और कोर्ट के फैसले का इंतजार है कि बच्चे को माँ के साथ भेजते हैं या बाप के साथ। तो फिलहाल अभी तक इतनी अपडेट है, इसके आगे बारे में जो भी कोई अपडेट होगी बता दिया जाएगा। और दूसरी बात जो है, सपना, उसकी भाभी और तीनों कोर्ट के अंदर आने वाले हैं, अभी हॉस्पिटल में उनकी जो है चिकित्सालय के मुताबिक जांच हो रही है, मेडिकल जांच हो रही है। अभी यहाँ जैसे भी आएगी, अगली अपडेट आएगी तो आप तक साझा की जाएगी। जब तक बने लोक शक्ति मीडिया से, धन्यवाद।